नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम शेर व सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान सईद। शेर व सुखन ने इंतखाब किया है इस बार ऐसे शख्स का जिसने नज़्म और नसर दोनों हवालों से उर्दू शेर व अदब की खिदमात अंजाम दी। ये नाम है ओवैस अहमद दौरा। आज के इस एपिसोड में हम ओवैस अहमद की हयात व खिदमात पर बात करेंगे और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पर सुनेंगे। हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ तरक्की पसंद अदीब और शायर ओवैस अहमद दौरा की पैदाइश 1938 में बिहार के दरभंगा में हुई। मोहल्ला फैज़ुल्ला में सुकूनत इख्तियार की और KS कॉलेज के शोबाए उर्दू से सुबकदोश हुए। ओवैस अहमद दौरा तरक्की पसंद तहरीक से मजबूती के साथ जुड़े हुए थे। यही वजह थी कि उनकी सारी ज़िंदगी जद्दोजहद में गुजरी और उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए से समाज की तश्कील करने का काम अंजाम दिया। आइए नाज़रीन, ओवैस अहमद दौरा के बारे में मज़ीद जानकारी के लिए एक्सपर्ट को सुनते हैं। ओवैस अहमद दौरा साहब दरभंगा ज़िला के एक कस्बे में, कोठिया नाम है उनका, वहाँ पैदा हुए थे। 1933 में गालिबन उनकी पैदाइश हुई थी और 1998 में उनका इंतकाल हुआ। ओवैस अहमद दौरा इब्तदाई जो ज़माना है उनका, उनके अजदाद तो यहाँ से चांदपुर जो आज़मगढ़ का एक गांव की का गांव है, उस गांव से वो अजदाद उनके वहाँ दरभंगा की तरफ हिजरत कर गए थे और फिर वो वहीं रहे। बहुत ही कस्मपुरसी के आलम में इनकी ज़िंदगी गुजरी। जो आबाई पेशा था इनके अजदाद का वो बीड़ी बनाने का था, तो शुरू शुरू में तो इन्होंने भी बीड़ी बनाए, फिर घर से किसी वजह से ये फरार हो गए और वहाँ से बांग्लादेश चले गए। बांग्लादेश में चटगाम है, वहाँ रहे। वहाँ से कलकत्ता, जब चटगाम से आ गए तो वहाँ इनकी मुलाकात एक बड़े शायर परवेज़ शाहिरी, एक शायर थे, उनकी सोहबत अख्तियार की। तो जो अब इनकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में हम सोचते हैं तो नौजवानी के आलम में इन्होंने बहुत परेशानियां उठाई हैं, बहुत तकलीफ़ झेली है। घर में पैसों की बड़ी तंगी थी, फिर शादी जिससे करना चाहते थे उससे शादी नहीं हुई। इनके बड़े भाई एक एहसान दरभंगवी, बड़े शायर थे वो भी, वो कलकत्ता में रहते थे और टैक्सी ड्राइवर थे, तो उनकी सोहबत में भी रहे और वहीं से इनमें शायरी का शौक़ पैदा हुआ। तो शुरू में आप देखेंगे कि 1954 से लेकर के 1969 तक का जो ज़माना है वो डॉक लेबर बोर्ड पे ये पीएन हो गए थे और वहीं रहे। उसके बाद इन्होंने प्राइवेट से एमए पास किया। एमए करने के बाद नौकरी की तलाश या रोज़गार की तलाश में भटकते रहे, तो भटकते भटकते वो 1970 का ज़माना है कि इनको आरजी नौकरी मिल गई थी, अरेराज, एक बिहार में चंपारण में एक कॉलेज था वहाँ। लेकिन 4 महीने की नौकरी के बाद इनको निकाल दिया गया कॉलेज से। फिर आरके कॉलेज में मेरे वालिद प्रोफेसर इजहार अहमद, उनको कमीशन हुए थे, वो एनसीसी से और बटालियन कमांड करने के लिए जा रहे थे, तो 7 साल की लंबी छुट्टी पे गए। तो उनकी जगह पर 1970 से लेकर 1974 तक, जब तक वो लंबी छुट्टी पर रहे, इनका तकर्रुर आर्जी तौर पर कर दिया गया था और इस शर्त के साथ कि जब वो वापस आएंगे तो आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो वहाँ से 74 में भी इन्होंने नौकरी छोड़ दी। फिर उसके बाद ये जैन कॉलेज, एक मधुबनी में ही, बिहार में एक मधुबनी शहर का एक कॉलेज है जैन कॉलेज, वहाँ कुछ महीने इन्होंने आर्जी तौर पर नौकरी की। फिर कुंवर सिंह कॉलेज दरभंगा में इनकी का तकर्रुर 1977 में मुस्तकिल तौर पर हुआ और वहाँ से 1998 में ये सुबकदोश हो गए। हर सांस को महकाइए अब देर ना कीजिए, हर सांस को महकाइए अब देर ना कीजिए, एक फूल सा खिल जाइए अब देर ना कीजिए। आइए नाजरीन, इस खूबसूरत गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं जिसको ख़ास तौर से डीडी उर्दू ने सजाया है आपके लिए और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं।
सांस को महकाइए, हर सांस को महकाइए, अब देर न कीजिए, हर सांस को महकाइए, अब देर न कीजिए, एक फूल सा खिल जाइए, एक फूल सा खिल जाइए, अब देर न कीजिए, हर सांस को महकाइए, अब देर न कीजिए। सावन की घटा बन के सुलगती हुई रुत में, सावन की घटा बन के सुलगती हुई रुत में, सुलगती हुई रुत में, दुनिया पे बरस जाइए, दुनिया पे बरस जाइए, अब देर न कीजिए, दुनिया पे बरस जाइए, अब देर न कीजिए, एक फूल सा खिल जाइए, एक फूल सा खिल जाइए, अब देर न कीजिए, हर सांस को महकाइए, अब देर न कीजिए। सन्नाटा हर एक रूह को अब डसने लगा है, सन्नाटा हर एक रूह को अब डसने लगा है, अब डसने लगा है, एक गीत कोई गाइए, एक गीत कोई गाइए, अब देर न कीजिए, एक गीत कोई गाइए, अब देर न कीजिए, हर फूल सा खिल जाइए, हर फूल सा खिल जाइए, अब देर न कीजिए, हर सांस में महकाइए, अब देर न कीजिए, हर सांस को महकाइए, अब देर न कीजिए, ऐसा ना हो ये रात कोई हश्र उठा दे, ऐसा ना हो ये रात कोई हश्र उठा दे, उठता है सितारों से धुआं जागते रहना। नाज़रीन, ओवैस अहमद दौरा की शायरी इसलिए भी ज़िंदा है कि उन्होंने महरूमी और यासियत में भी उम्मीद का दिया रोशन रखा। एक अच्छी शायरी में जितनी खसूसियात हो सकती हैं, वो सारी खसूसियात उनकी शायरी में मौजूद हैं। उनकी शायरी इंसानियत की शायरी है, और जब वो शायरी की ज़बान पे आते हैं तो नहायत सादा ज़बान इस्तेमाल करते हैं, और उनकी शायरी की ज़बान सलीस भी है। क्योंकि तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए थे, इसलिए उनकी शायरी में एक तामीरी पहलू नज़र आता है जो समाज की तश्कील करता नज़र आता है। अपने बड़े भाई की सोहबत में इन्होंने शायरी शुरू की। 1951 के ज़माने में इन्होंने पहला शेर कहा था, फिर रफ्ता रफ्ता उन्होंने शेरी मजमुआ इनका लम्हों की आवाज़ के नाम से 1974 में शाया हुआ, जिस पर
बिहार उर्दू एकेडमी ने अवार्ड भी दिया। दूसरा शेरी मजमुआ अबाबील के नाम से 1976 में शाया हुआ। इस तरह से इन्होंने अपने आप को शायरी और जो सियासत है इन दोनों के बीच जम कर दिया था। शायरी जो है इस पर जाहिर है कि वो ज़माना तरक्की पसंदों का था और मार्क्स के जो ख्यालात थे या इश्तराकी जो ख्यालात थे उसके असरात बहुत ज़्यादा थे और मज़दूर तबका चूँकि वो खुद उस इलाके से या खुद उस तरीके से कि जहाँ मज़दूर और कसम पुरसी या तकलीफ़ थी वहाँ से आए थे तो और नाकदरी तलखी और ज़माने ने जिस तरह से इनके साथ नाइंसाफियाँ की थीं उन सब की वजह से इनका एक रुझान जो है तरक्की पसंदाना हुआ और मार्क्स के नज़रियात से बहुत करीब हो गए। बल्कि एक ज़माने में तो इन्होंने एक ज़मींदार के 2 बीघा ज़मीन को कब्ज़ा भी कर लिया और मज़दूरों को वहाँ बसा दिया और ख़ुद भी वहाँ झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। तो इस तरह से इन्होंने इनकी जब शायरी पर हम गौर करते हैं तो इनकी शायरी में रुमान और रुमानियत जो मोहब्बत में नाकामी हुई थी या मोहब्बत में जिस तरह से फैज़ ने भी लिखा है कि मैंने मोहब्बत की उसका अंजाम वही हुआ कि उसकी कहीं शादी हो गई। तो ये भी दौरा साहब भी जिससे मोहब्बत करते थे उससे इनकी शादी नहीं हुई और बस उस फिक्र में उस जज्बे के तहत इन्होंने अपने यहाँ एक रुमान पैदा किया। और रुमान जो है रोमांटिक शायरी आप देखेंगे कि इनके ऊपर फैज़ का भी असर है, आप देखेंगे कि इनके ऊपर फिराक का भी असर मिलेगा चूँकि उन्हें जमालियात के शायर ही हमारे माने जाते हैं फिराक भरतपुरी। लेकिन मैंने जहाँ तक इनका मुताला किया है इन पे जो अख्तर शीरानी है वो उनका असर भी इनके यहाँ मुझे देखने को मिला। तो इनकी बाज़ जो नज़में हैं जैसे एक नज़म है कि एक बेवफा के नाम या अलविदा या ईडन गार्डन बहुत सारी इनकी नज़में हैं जिसमें इन्होंने मोहब्बत को मरकज़ी ख्याल के तौर पर पेश किया है। इसमें नाकामी जो मोहब्बत की है उसी को मौजू बनाया है। चुप रहोगे तो ज़माना इससे बदतर आएगा, चुप रहोगे तो ज़माना इससे बदतर आएगा, आने वाला दिन लिए हाथों में खंजर आएगा। आइए नाज़रीन इस संजीदा गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और महसूस होते हैं। चुप रहोगे तो जमाना इससे बदतर आएगा, चुप रहोगे तो जमाना इससे बदतर आएगा, आने वाला दिन लिए आने वाला दिन लिए हाथों में खंजर आएगा। चुप रहोगे तो जमाना इससे बदतर आएगा। इंतजार उसका करो, तुम इसी वादी में ठहरो इंतजार उसका करो, इंतजार उसका करो, इंतजार उसका करो, वो तुम्हारे पास एक पैगाम लेकर आएगा, वो तुम्हारे पास एक पैगाम लेकर
आएगा आने वाला दिन लिए हाथों में खंजर आएगा चुप रहोगे तो जमाना इससे बदतर आएगा दल चली दौरा जवानी की चमकती दोपहर दल चली दौरा जवानी की चमकती दोपहर अब भला पहलू में मेरे अब भला पहलू में मेरे कौन दिल पर आएगा अब भला पहलू में मेरे कौन दिल पर आएगा आने वाला दिन लिए हाथों में खंजर आएगा तुप रहोगे तो जमाना इससे बदतर आएगा चुप रहोगे तो जमाना इससे बदतर आएगा चुप रहोगे तो जमाना इससे बदतर आएगा बहती नहीं है मर्द की आंखों से जुए अश्क लेकिन हमें बताओ कि हम किस लिए हंसे। नाज़रीन, ओवैस अहमद दौरा की सारी ज़िंदगी अमली जद्दोजहद में गुजरी। यही वजह है कि उनकी शायरी में भी ये जद्दोजहद नज़र आती है। उन्होंने शायरी की दीगर असनाफ़ पे भी तबा आज़माई की। उन्होंने बहुत अच्छी नज़में कहीं। इसके अलावा उन्होंने मेरी कहानी के नाम से अपनी एक आपबीती लिखी। मज़ीद अगर हम देखें तो उन्होंने फ़ने तनकीद पर भी किताब लिखी। ओवैस अहमद दौरा ने अपनी तमाम ज़िंदगी उर्दू शेर व अदब की खिदमात में गुजार दी। यही वजह है कि उनकी इन तमाम खिदमात को भूलना नामुमकिन है। इनके कुछ तनकीदी मजामीन भी हैं। तनकीद की मंजिल के नाम से इनका मजमुआ आया था जिसमें मेरा ख़्याल है कि 16 मजामीन थे जिसमें इकबाल पे भी है जमील मजहरी पे भी है परवेज़ शाहदी पे मजामीन है। ज़ाहिर है कि चूँकि पेशा वराना जो एक रिश्ता होता है तनकीद के साथ उस्ताद का तो वो उन्होंने निभाया है उसमें और उसमें भी वही मार्क्सी जो नज़रिया है उसको तलाश करने की कोशिश की गई है। सबसे शायरी के बाद जो इनकी तख्लीकात में मेरी कहानी के नाम से खुदनविश्त है जिसमें बड़ी बेबाकी के साथ इन्होंने अपनी ज़िंदगी को उजागर किया है। मेरा ख़्याल है कि बाज़ लोग खुदनविश्त में अपनी ज़िंदगी ज़ाती ज़िंदगी के वाक़यात को पेश नहीं करते लेकिन ये दौरा साहब की बड़ी ख़ूबी है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के को बिल्कुल बेदर्दी के साथ पेश किया है। ज़ाहिर है कि मरकज़ में बैठे हुए लोग या तरक्की पसंद को चाहिए था कि इनको वो मकाम दिया देते जिनके ये मुस्तहिक थे लेकिन इन पर उस तरह से काम नहीं किया गया। इस तरह से तरक्की पसंद मुसन्निफीन की मजलिसों में जिस तरह से इन पर काम किया जाना था शायद उस तरह से काम नहीं हुआ लेकिन इसके ये मानी नहीं है। ये तो फ़नकार है और फ़नकार कभी भी सताइश की तमन्ना नहीं करता। मुझे लगता है कि आने वाले ज़माने में हम कुछ ज़्यादा इन पर तवज्जो करेंगे। शायरी के एतबार से इनका मकाम बहुत बुलंद है सिर्फ ये है कि इन पर तवज्जो करने की ज़रूरत है। तुम आ गए हो जब से खटकने लगी है शाम तुम आ गए हो जब से खटकने लगी है शाम सागर की तरह रोज़ छलकने लगी है शाम। आइए नाज़रीन इस खूबसूरत गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं।
तुम आ गए हो, जब से तुम आ गए हो, जब से खटकने लगी है शाम, तुम आ गए हो, जब से खटकने लगी है शाम, सागर की तरह रोज छलकने लगी है शाम, तुम आ गए हो, जब से खटकने लगी है शाम। शायद किसी की याद का मौसम फिर आएगा, शायद किसी की याद का मौसम फिर आएगा, पहलों में दिल की तरह धड़कने लगे हो तुम, पहलों में दिल की तरह धड़कने लगे हो तुम, सागर की तरह रोज झलकने लगी है शाम, तुम आ गए हो। कुछ और आईना में, कुछ और आईना में सवरने लगे हैं वो, कुछ और आईना में संवरने लगे हैं वो, जिस दिन से उन पे जान लुटाने लगे हैं वो, जिस दिन से उन पे जान लुटाने लगे हैं वो, सागर की तरह रोज छलकने लगी है शाम, वो आ गए हैं तो तुम आ गए हो, तो वो आ गए हैं तो। नाज़रीन, आज के एपिसोड में हमने अवेस अहमद दौरा की हयात व खिदमत पर बात की और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पर सुना। मुझे उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय से नवाजते रहें और अपने मेज़बान सलमान सईद को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।